सो यहाँ मार्टिन मूवी को लेकर ना काफी बुरी न्यूज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बुरा न्यूज ये निकल रही है कि सोशल मीडिया पे अब यह फिल्म को लेकर ट्रेंड चलाई जा रही है कि यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन्स रिलीज होने से पहले ही यह फिल्म फ्लॉप हो गई है। बिकॉज यह फिल्म का ट्रेलर को कल मेगस ने रिलीज करा हुआ था, ट्रेलर वन, वो लोगों को पसंद नहीं आया हुआ है। लोगों का यही चीज़ कहना है कि बहुत क्रिंज ट्रेलर है, वाहियात ट्रेलर है, टट्टी ट्रेलर है, मतलब इतना घटिया ट्रेलर आज से पहले हम लोगों ने नहीं देखा हुआ था। और बहुत लोगों का ये चीज़ कहना है कि मेगस ने जो ट्रेलर में जो सारी चीज़ों को दिखाई है, सिर्फ एक्शन एक्शन एक्शन, ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा वाहियात लग रही है। और जितने भी इसमें एक्शन सिक्वेंस को डाले गए हैं कहीं ना कहीं से भाई उठा के मेगस ने डाल दिया हुआ है। और इसके अलावा यह ट्रेलर ना इमोशनल लेस ट्रेलर है। इसके अलावा कुछ लोग का ये भी चीज़ें कहना है ये ट्रेलर बहुत ज़्यादा फ्लैट है, मतलब ये टीजर टाइप से ये फिल्म का ट्रेलर लग रहा है। अगर मेकर्स उसमें कुछ और एलिमेंट को ऐड करते तो ट्रेलर और बेटर तरीका से निखर के आता, बट अगर ऐसे ही फिल्म भी होने वाली है तब तो ये भाई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चलने वाली है। और कुछ लोग का ये चीज़ें कहना है यह फिल्म सिर्फ कर्नाटका में ही चलने वाली है, कर्नाटका के बाहर नहीं चलने वाली है। वो लोग का कहने का मतलब ये है यह फिल्म हिंदी बेल्ट में नहीं चलने वाली है। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है लोग इतना वायलेंट तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। ट्रेलर उतना भी बुरा नहीं है, आई नो ट्रेलर में डायलॉग कम है, बिकॉज मेकर्स ने आया एक्सपेरिमेंट करा हुआ है कि हाँ विदाउट डायलॉग ट्रेलर को रखा हुआ है। स्टार्टिंग में वो पाकिस्तानी ऑफिसर थोड़ा सा डायलॉग बोलता है, देन ध्रुवा सारजा का लास्ट में एक ही डायलॉग है। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म के मेकर्स ने KGF चैप्टर 2 के टीजर से ना इंस्पायर होकर यह ट्रेलर को बनाया होगा कि चलो भाई थोड़ा कम डायलॉग को रखते हैं, एक्शन सिक्वेंस को थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। तो शायद जिस तरीका से KGF चैप्टर 2 के टीजर को लोगों ने पसंद करा हुआ था, वैसे ही यह फिल्म के ट्रेलर को भी लोग पसंद करेंगे। बट यहाँ एक और भाई स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी हो सकता है मेकर्स लोगों का कि वो लोग एक एक्सपेरिमेंट भी करे होंगे कि चलो भाई विदाउट डायलॉग ट्रेलर को हम लोग रिलीज करते हैं। अगर यह फिल्म का ट्रेलर लोगों को पसंद आ गया तो भाई यह फिल्म के ट्रेलर को ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे। बट अगर यह फिल्म के ट्रेलर को लोग नकार दिए, मीन्स लोग गालियां ओलियां देने लगे, फिर भी यह फिल्म का ही फायदा है, नेगेटिव पब्लिसिटी मिल जा रही है यह फिल्म को, अल्टरनेटली ये फिल्म का ही फायदा हो रहा है। और मेकर्स के पास अभी भी चांस है कि अगर वो ट्रेलर 2 को बेटर तरीका से भाई बना के जिस तरीका से ऑडियंस डिमांड कर रही है वैसा अगर ट्रेलर को ये लोग रिलीज कर देते हैं फिर तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा। बट अगर मैं अपनी ओपिनियन बताऊं ना यार, तो मुझे भाई ट्रेलर पर्सनली अच्छा लगा है, उतना भी बुरा नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं। बागी टाइप से ये फिल्म का ट्रेलर है, हीरोपंती का वाइब दे रही है, बहुत ऐसे सीन्स हॉलीवुड से उठा के डाल दिए गए। देखो तो भाई ऐसा मुझे तो भाई कहीं से नहीं लगा। स्टार्टिंग वाला जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा लगा कि हाँ KGF से थोड़ा सिमिलर है। बाकी जो रेत रेगिस्तान वाला जो फाइट सीक्वेंस है वो लोग बोल रहे हैं कि मैडमैक्स से उठा के डाल दिया गया हुआ है। ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा ऐसा सीक्वेंस भाई हर फिल्म में तुम सबको देखने को मिल जाएगा। बट हाँ, मेकर्स ने एक एक्सपेरिमेंट करा हुआ है विदाउट डायलॉग ट्रेलर को रिलीज करके। अगर यहाँ मेकर्स कुछ और डायलॉग्स एड ऑन करते ध्रुवा सारजा का तो ये ट्रेलर और भी निखर के आता। बट ये ट्रेलर उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है जितना ये फिल्म के ट्रेलर को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म के मेकर्स ये सारी गलतियों को ट्रेलर 2 में दोहराने नहीं वाले हैं। तुम सबको ट्रेलर 2 पसंद आने वाला है। बट यार मैं लास्टली यही चीज़ें बोलूँगा यार, ये फिल्म का जो स्टोरी है ना बहुत ही प्यारा स्टोरी है भाई। एक लेफ्टिनेंट की स्टोरी है जो मिशन पे जाता है, आतंकवादी लोगों को जो लोग फंड करते हैं उनकी बैंड बजाते हैं पाकिस्तान में घुस के, मैन मतलब वन मैन आर्मी वाला भाई इस टाइप जो तुम्हें शो देखने को मिलेगा, फिल्म देखने को मिलेगा। अकेले ये इंसान पूरी की पूरी पाकिस्तान की लंका लगा देता है। बाकी मैं यही होप करूंगा कि आने वाला टाइम में जो भी है फिल्म से जुड़े जो भी चीज़ों को मेकर्स रिलीज़ करे, गाने को या फिर ये दूसरे ट्रेलर को, वो तुम सबको पसंद आए, मीन सारे ऑडियंस को पसंद आए। क्योंकि भाई ये फिल्म को जो एक्टर है ध्रुवा सारजा, इन्होंने बहुत मेहनत करा है यार, बहुत मेहनत करा है यार। वो बता भी रहे थे यार कि वो लोग कितने टेम्परेचर में भाई सूट करे हैं, माइनस डिग्री में, देन इसके साथ साथ जो डेजर्ट वाला फाइट सीक्वेंस है 25 दिन का बताई जा रही थी, शायद इन लोगों ने वहाँ सूट करा हुआ था। तो बहुत ही भाई मुश्किलों से भाई वो सारे सीक्वेंस को इन लोगों ने सूट करा हुआ है। आई होप तुम सबको वो लोग का मेहनत ट्रेलर 2 में देखने को मिल जाए और तुम लोग ये फिल्म का ट्रेलर पसंद आए। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन कॉमेंट करके ज़रूर बताने कि तुम लोग का वैसे क्या ट्रेलर में कमियाँ रही है। सो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार वीडियो को देखने के लिए प्लीज चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लेना।